दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2023 आज के लव राशि फल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशि फल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज भी चंद्रमा मेष राशि के रहेंगे, भरणी नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे आज, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप देखेंगे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोग फ्लर्ट करने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आज आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है किसी के साथ में। अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है तो उस फ्लर्ट को बहुत सीरियसली भी नहीं लेना है। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है आज के दिन। लव लाइफ में काफ़ी रोमांटिक माहौल रहेगा और लव लाइफ में पार्टनर से प्यार और केयर भी देखने को मिलेगी। आज के दिन ये भी हो सकता है कि पार्टनर के साथ में कहीं बाहर जाएं, शॉपिंग करें, बहुत सारे खर्चे करें या बहुत सारे गिफ्ट का प्लान भी बना सकते हैं आपके पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति बहुत बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, फिर से एक नई उम्मीद की किरण आपको दिखाई देगी और बातचीत आज हो सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़े बहुत मतभेद हैं, थोड़ी गलत फहमियाँ हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। आज के दिन अगर बातचीत से बात बने तो बना लीजिएगा, ईगो मत दिखाइएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर बात बात पर भड़क जाएंगे और उन्हें कई चीज़ों में किसी व्यक्ति से जलन हो सकती है और ऐसा उनके अंदर कुछ भाव उत्पन्न होगा जो अभी तक नहीं हुआ था। मतलब आपके रिश्ते को लेकर के वो हो सकता है कि पहले उतने सीरियस ना हो जितने अब हो जाएं, इस वजह से उन्हें हर चीज़ में रोक टोक और आप पर आपत्ति लगाना, उस तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते हुए, अपने रिश्ते को बचाते हुए बहुत ज़्यादा जलस फील करते हुए देखेंगे आप, ये स्थिति है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ में बहुत खर्चे करेगा पार्टनर। लव लाइफ में आज आपके साथ में यात्रा हो सकती है पार्टनर की, लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहस की स्थिति बन रही है, बहस से यहाँ पर आपकी फिर से पैचअप की स्थिति भी बन रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी से भी आपकी बहस हो जाए, आपके पार्टनर के साथ में आपका पैचअप भी हो जाए और थर्ड पार्टी से बहस भी हो जाए। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आप झगड़ा कर सकते हैं किसी से और ये झगड़ा थर्ड पार्टी से हो सकता है अथवा पार्टनर से भी हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन थर्ड पार्टी से तगड़ा झगड़ा होगा। वैसे नॉर्मली अगर पार्टनर से हुआ तो नॉर्मल होगा, पैसों की वजह से होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों को लेकर के रोक टोक करेंगे और अपना हक जो नहीं है वो भी जताने की कोशिश करेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर प्यार और केयर देगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में फिर से आपको पार्टनर की याद आने लगेगी, उनको कॉल मैसेज करने का मन करेगा पर मत कीजिएगा, आपका अपमान हो जाएगा। लव लाइफ में स्थितियाँ अच्छी दिखी रही हैं, उसके साथ साथ फ्यूचर की प्लानिंग भी डिस्कस कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में आज बहुत ज़्यादा हसीन माहौल रहेगा, आपके पार्टनर पहले जितना आपको प्यार करने लगेंगे या वो दिन होगा आज का दिन जिस दिन आपकी हर बात मानेगा पार्टनर, अपने आप को बदलने के लिए तैयार होगा पार्टनर, आप जो भी शर्तें रखेंगे उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होगा पार्टनर, आपको हर एक बात बताना चाहेगा और आपसे हर एक बात शेयर करके अपने आप को सुकून में फील कर रहेगा, बहुत ज़्यादा सुकून भी उसे मिलेगा आपसे बात करके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन सामान्य है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है, यहाँ पर लोग आपको इग्नोर करने वाले हैं
और आपको अपने आप से बहुत सारी शिकायतें होने वाली हैं। लव लाइफ में आज के दिन पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आएगा। और हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी हों जो अनजाने में या कोई जानबूझ करके कुछ ऐसे कर रहे हों एक दूसरे को इग्नोर, लेकिन स्थितियाँ कोई बुरी नहीं है, दिन आपका नॉर्मल है। मैरिड लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है, इस चीज़ का एहसास आज आपको हो सकता है। और वो थर्ड पार्टी कोई अपना है, आपका जानकार है, जिसे आप पहले से जानते हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पार्टनर समय देंगे, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान्य है। लव लाइफ में बहुत भरोसा जताएगा पार्टनर, आपके करीब आना चाहेगा और आपके करीब इतना आ जाएगा कि हमेशा के लिए आप उसे अपना बना लेंगे और कभी छोड़ नहीं पाएंगे। आज के दिन आपका बहुत ज़्यादा भरोसा जीत लेगा पार्टनर। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ में जिम्मेदारी निभाएंगे अगर आप, तो समझ लीजिए कि पार्टनर वो करने वाले हैं जो अभी तक उन्होंने आपको कहीं ना कहीं नहीं किया आपके लिए, और आप हमेशा चाहते हैं कि वो ऐसा करें, तो आपको सिर्फ जिम्मेदारी का ध्यान देना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वाणी से बहुत अभद्रता, बिहेवियर उनका बहुत चेंज नज़र आएगा और उनका व्यवहार इतना ख़राब हो जाएगा कि आपको उनसे बात करने का मन नहीं करेगा, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों सिंगल हैं, आज आपका दिन बहुत ज़्यादा खास बनने वाला है और हो सकता है किसी के साथ नॉर्मली फिजिकल रिलेशन भी बन जाए। और आज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लव लाइफ में हैं तो वहाँ पर कहीं आप कोई गलती ना कर दें, कोई गलत निर्णय ना ले लें, कहीं किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपकी तरफ से ना बन जाए, किसी के चक्कर में फंस ना जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि आपका कोई नया अफेयर शुरू हो जाए और पार्टनर आपके पास वापस आए तो दिक्कतें खड़ी हो जाए। मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपको पुरानी चीज़ों को लेकर के बार बार सवाल जवाब करेंगे, इसलिए उनके सवालों के जवाब से बचने की कोशिश करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे होंगे, काफ़ी रोमांटिक माहौल रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपका बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो सकता है और आपको हो सकता है कि आज डेट पर जा रहे हो, किसी के साथ शादी के लिए कोई रिश्ता देखने जा रहे हो, कहीं कोई व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, शादी के पर्पज़ से अगर कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा संभल के, केवल चेहरा देख करके या पैसा देख करके किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, किसी की तरफ आगे ना बढ़े। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पार्टनर इग्नोर करेगा और आज हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो जाए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज पता चलेगा आपको कि आपके पार्टनर की कहीं शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ में बात बात पे बहस हो सकती है, तो इसलिए आज बहस करने से बचें और अपने रिश्ते को तमाशा ना बनाएं, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, हालांकि थर्ड पार्टी की बातें या पास्ट की बातें आपको परेशान कर सकती हैं। पास्ट में जो आपने गलतियां की हैं, जो आप दोनों के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, लेकिन पार्टनर इस चीज़ पर ध्यान अब नहीं देगा। मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैरिड लाइफ में पार्टनर से उम्मीदें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, उनके झूठ को पकड़ने की कोशिश भी मत कीजिएगा और अगर पकड़ लिए तो उनको चर्चा का विषय भी ना बनाइएगा, नहीं तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा, ये स्थिति है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन डेट पर जा सकते हैं। लव लाइफ की स्थिति बहुत खास रहेगी, आज आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और पार्टनर गिफ्ट उपहार भी देने वाले हैं। मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ये स्थिति है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन मन उदास रहेगा, अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में ज़्यादा इमोशनल होकर के आप अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं। पार्टनर से दूरियां बनाने का या पार्टनर से दूरियां बन जाने का कारण आपके इमोशंस, आपकी ज़्यादा आपकी बढ़ती हुई फीलिंग हो सकती है। मैरिड लाइफ में आज के दिन बहुत ज़्यादा क्लेश की स्थिति रहेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपसे दूर जाने का बहाना ढूंढेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्ती करने के लिए। दोस्त बना सकते हैं लेकिन किसी को प्रपोज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रपोज करेंगे तो हो सकता है कि बात ना बने। लव लाइफ में झगड़े की स्थिति बन रही है और पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा। आज के दिन हो सकता है कि वो बात बात पर आपको रोक टोक करें और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करें। उनके बिहेवियर से ऐसा नज़र आए जैसे कि वो आपको किसी भी तरीके से परेशान करके आपसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म करो। मैरिड लाइफ की स्थिति सामान्य है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपकी परीक्षा ले सकते हैं और उस परीक्षा में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सवाल ऐसे जवाब हो जाए जो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए, जवाब देना मुश्किल हो जाए, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास बनने वाला है। आज आपको कोई बहुत अच्छा रिश्ता घर पर आ सकता है और बहुत ही अच्छा दिन आपका बनेगा। लव लाइफ में पार्टनर आपके लिए बहुत खर्चे करेगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करेगा। हो सकता है कि पुरानी पास्ट के रहस्य कुछ अपने बताए तो उनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उन्हें दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपना एक सच बता रहे हैं आपको। मैरिड लाइफ की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है लेकिन मैरिड लाइफ में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो सकती है और ये दिक्कत इस वजह से हो सकती है कि आपके पार्टनर कुछ बातें आपकी ना माने या कुछ बातें आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये चाहते हैं कि वो माने फिर भी वो नहीं मानना चाहते, इसलिए दिक्कत हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशि फल। अगर आपको आज का लव राशि फल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।